कैटरीना कैफ और इस टाइम पर नीतू कपूर की एक बहुत बड़ी लड़ाई सामने आई है, जिसमें अगर ये कहा जाए कि नीतू कपूर पर सोशल मीडिया को पूरे सोशल मीडिया पर नीतू कपूर यानी रणबीर कपूर की मां को ब्रूटली तौर पर बुरे तरीके से ट्रॉल किया गया, कैटरीना कैफ को बुरा कहने पर, कैटरीना कैफ की तरफ पॉइंट आउट करने पर, उनको एक क्रिटिसाइज करने पर अपने बेटे रणबीर कपूर की वजह से, तो इसमें कोई शक नहीं है। बताते चले आपको कैटरीना कैफ के बारे में, तो कैटरीना कैफ और रणबीर कपूर का तकरीबन 7 से 8 साल तक एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन राजू सभी जानते भी थे, मानते भी थे, लेकिन खैर रणबीर कपूर हमेशा से ही फ्लर्टी रहे हैं, कभी किसी के साथ तो कभी किसी के साथ। इससे पहले ये दीपिका पादुकोणे के साथ थे, उसके बाद ये कैटरीना के पास, और उसके बाद फाइनल तौर पर आलिया भट्ट के पास, और आलिया भट्ट ने इनसे शादी कर ली। जबकि बताते चले आपको कैटरीना कैफ के बारे में, तो खुद नीतू कपूर ने एक स्टेटस लगाते हुए लिखा कि जस्ट बिकॉज एक लड़की ने आपके साथ 7 साल तक डेट किया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे शादी करेगा, मेरे अंकल ने मेडिसिन को 6 साल तक पढ़ा और उसके बाद वो डीजे बन गए। और ये बात वाकई सिर्फ और सिर्फ कैटरीना कैफ की तरफ पॉइंट आउट करती थी, जिसके जवाब में कुछ देर बाद ही कैटरीना की माँ इनके सुजैन टर्कोटो ने ये पोस्ट की कि क्या हमें इस तरीके से सोसाइटी में माशरे में तरबियत दी गई है कि मैं चौकीदार को और सीईओ की फैमिली को एक ही जितनी इज्जत देती हूँ। खैर ये जवाब एक बहुत ही ज्यादा करारा जवाब था, जबकि बहुत सारे लोगों ने नीतू कपूर को इंसल्ट करते हुए कहा कि सिर्फ पैसे के बलबूते पर इन्होंने जिस तरीके से अपनी बहू को चूज किया आलिया भट्ट को, क्योंकि उनके जो पिता थे वो भी फिल्म इंडस्ट्री से थे, जबकि कैटरीना कैफ एक सेल्फ मेड वुमन है। और वाकई अगर ये कहा जाए कि आलिया भट्ट से ज्यादा पॉपुलैरिटी कैटरीना कैफ रखती हैं पूरे इंडिया में, तो इसमें कोई शक नहीं होगा। व्यूअर्स, आपको नीतू कपूर का इस तरीके से इंसल्ट करना कैटरीना कैफ को कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जबकि कैटरीना कैफ इन सारी चीजों में किसी भी जवाब देने से ग्रेस रही, उन्होंने कोई भी ऐसी बात नहीं की। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप किस साइड पर हैं।